गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासेस के बारे में। हमने इनफैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर ली, हमने क्लासेस के बारे में बात कर ली। ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है क्लासेस को। हम अपनी पहली क्लास लिखेंगे C++ में इस कोर्स के अंदर। और मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, एक नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ tu21.cpp। और मैं यहाँ पर जो बॉयलर प्लेट कोड है वो अपना ले आऊँगा और इसको यहाँ पर जगह बना लूँगा बंद करके। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्लास से पहले मैं रिविजिट करना चाहूँगा स्ट्रक्चर्स को। हमने देखो स्ट्रक्चर्स की बात की थी, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने कहा था कि स्ट्रक्चर एक तरीका है हमारे पास, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है एक टेम्पलेट बनाने के लिए। तो ये जो टेम्पलेट बनती है इससे क्या होता है कि आप एक ही तरह का डेटा टाइप बना पाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के आपके अलग अलग डेटा टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आप उसका नाम, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि जो C++ है उसको पहले नाम दिया गया था सी विथ क्लासेस स्टॉप द्वारा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से काम करूँगा। हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी ना, हमने वीडियो नंबर 14 में बात की थी। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम मैं सेव कर लेता हूँ और मैं ट्यूटोरियल नंबर 14 में जाता हूँ। और हमने यहाँ पर सिंपली ये देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट एम्प्लॉई जैसे ही हमने लिखा तो हम एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें क्या होगा EID, फेव कैर, सैलरी, ये सब चीज़ें होंगी। और हम जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, EP1 EP2 ऐसे करके बनाए थे एम्प्लॉयज़। जैसे एम्प्लॉय हैरी बनाया मैंने, तो मैं यहाँ पर हैरी डॉट EID, हैरी डॉट फेवरेट कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें सेट कर सकता हूँ। फिर मैंने उसी के साथ साथ आपको टाइप डेफ के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो टाइप डेफ कीवर्ड होता है वो क्या करता है, एक किसी भी जो भी आपका डेटा टाइप है उसका नाम चेंज करके कुछ और कर देता है। तो मैंने बोला था कि आप टाइप डेफ करके इस पूरे को EP बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर C++ के अंदर क्या होता है कि आपको ये टाइप डेफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि ऑलरेडी आपको C++ टाइप डेफ करके देता है। यानी कि अगर आप ये टाइप डेफ ना भी लिखें तब भी आप ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको यूज़ कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये एक फीचर है जो C++ में आया है, लेकिन जो टाइप डेफ है उसका अपना काम जो है वो ये है कि वो किसी भी डेटा टाइप का नाम चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर के बारे में ये सब चीज़ें देखी थी। अब एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर स्ट्रक्चर इतना पावरफुल है, सब कुछ है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में आप एरे डाल सकते हो, पॉइंटर डाल सकते हो और आप इंटीजर फ्लोट वगैरह तो डाल ही सकते हो, तो ऐसा क्या हुआ जो हम क्लासेस बना रहे हैं स्ट्रक्चर से काम नहीं चल सकता क्या? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है कि डेटा हाइडिंग नहीं होती स्ट्रक्चर में, यानी कि आप अगर चाहते हैं कुछ ऐसा करना कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो डेटा आपका डायरेक्टली एक्सेस ना हो पाए, तो ना ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर के जो मेम्बर्स हैं वो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों ने डाली हैं वो एक्सेस की जा सकती हैं कहीं से भी, यानी कि आपके C++ प्रोग्राम में आपने कहीं से भी किसी भी स्ट्रक्चर की कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है वो सेफ़ नहीं है इसलिए, ठीक है। कुछ सिनेरियो में अगर आप लोग कुछ इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप एक बैंक का जो अकाउंट है उसको मॉडल करना चाहते हैं, या फिर आप किसी एम्प्लॉई की सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो फंक्शन छुपा रहे और वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कुछ कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से, कुछ कंडीशंस के हिसाब से रन हो, तो अगर यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें वो वेरिएबल ऐसे ही डाल दिया तो कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। एक बड़ी लिमिटेशन ये हो गई। एक दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप लोग फंक्शन नहीं डाल सकते। अब अगर आप लोगों को फंक्शंस डालने हैं एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से तो क्लास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाए, क्लास क्यों बनाए। अब स्ट्रक्चर को बिल्कुल आप लोग यूज़ करें, ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करना है, बट क्लास को क्या चीज़ अलग बनाती है इस बारे में मैं बात करना चाहता था। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्ट्रक्चर में टाइप डेफ को ऑमिट किया जा सकता है। उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर से बेटर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए क्लास है। तो जो C++ प्रोग्रामर्स होते हैं गाइज, वो क्या करते हैं ना, अगर आपको सिर्फ डेटा होल्ड करना है तब आप स्ट्रक्चर यूज़ कर लो, ठीक है। और अगर आपकी सिक्योरिटी का उतना बड़ा कंसर्न नहीं है तब आप स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर लो, वरना अगर आपको डेटा भी डालना है और उसमें फंक्शंस भी बनाने हैं तब आप क्या करो, क्लास को यूज़ कर लो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जल्दी से क्लास को लिखेंगे और क्लास को लिखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग क्लास के अंदर जो हमारे
सिंटेक्स क्या है सबसे पहले तो क्लास का वो देखेंगे, और ये देखेंगे डेटा और फंक्शंस किस तरह डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास लिखना है, ये तो लिखना ही लिखना है, ये तो कीवर्ड है, ये तो प्रोटोकॉल है, ये तो मतलब होना ही है। ठीक है, उसके बाद क्लास का नाम आप डाल दो, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉई डाल देता हूँ। ठीक है, आपने क्लास लिखा, आपने एम्प्लॉई लिख दिया, और क्लास एम्प्लॉई लिखने के बाद आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से खोलना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर, मैं आप लोगों को दो स्पेसिफायर के बारे में बताना चाहता हूँ, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, तो अगर मैंने प्राइवेट के अंदर कुछ ऐसे लिख दिया इंट ए बी और सी, ठीक है, और पब्लिक के अंदर मैंने लिख दिया इंट डी और ई। ठीक है, तो प्राइवेट और पब्लिक, और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको सेमी कोलन लगाना पड़ेगा अगर अगर आप लोग क्लास बनाते हैं तो। तो हमने क्या किया, इसको दो सेक्शन में ग्रुप कर दिया अपने क्लास के अंदर के डेटा को, एक तो मैंने कह दिया कि जी प्राइवेट है ये डेटा, और दूसरा मैंने कह दिया ये पब्लिक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, अगर मैंने किसी चीज़ को प्राइवेट बनाया तो इसके अंदर के सिर्फ फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर फंक्शन किस तरह बनाने हैं ये भी देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से काम करता हूँ, पहले आप लोगों को यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कि एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी बना सकता हूँ। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मुझे फंक्शन मतलब इम्प्लीमेंट ही करने हैं। मैं यहाँ पर मान लो कुछ इस तरह से डालता हूँ void set data, जो कि डेटा को सेट करेगा, और a b और c, मान लो मैं a b और c सेट करना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ एक get data, और get data क्या करेगा, मेरा रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न नहीं करेगा सॉरी, प्रिंट कर देगा डेटा को, रिटर्न void करेगा, और इसमें जो डेटा है उसको रिटर्न कर देगा, यानी कि प्रिंट कर देगा, सॉरी मैं रिटर्न गलत बोल रहा हूँ, मुझे प्रिंट बोलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मैंने void set data लिखा और a b और c लिखा, तो यहाँ पर क्योंकि ये int है, मुझे यहाँ पर int 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 भी लिखना पड़ेगा, वरना बात जो है वो गलत हो जाएगी। तो int a int b int c मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ फंक्शन को यहीं के यहीं, मैं फंक्शन को बाद में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यहीं के यहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं भी क्या करूँगा, इसको बाद में इम्प्लीमेंट करना पसंद करूँगा, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि बाद में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है। खैर, एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि आप अगर चाहें तो फंक्शन को यहीं के यहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आप दी वैल्यू ऑफ ए इज़, और उसके बाद ए लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद एंडल लिख सकते हैं, और यही काम मान लो मैं करना चाहता हूँ बी सी और डी के लिए भी, बी के लिए किया, सी के लिए किया, डी के लिए किया, और ई के लिए भी कर देते हैं, ई ने क्या बिगाड़ा है फिर, तो यहाँ पर भी करता हूँ वही चीज़, ये डी, उप्स मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ई डी फिर सी फिर उसके बाद बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये, हाँ सेव किया इसको, और वैल्यू देखो मैंने गलत कर दिया, तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, वैल्यू ऑफ ए बी सी और डी और ई मैंने यहाँ पर लिख दिया, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। और सेट डेटा जो है वो मैंने यहाँ पर फंक्शन सिर्फ यहाँ पर क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन का मतलब मैंने कहा है कि भाई ये मिल जाएगा आगे, आपको मिल जाएगा, मतलब गारंटी नहीं है लेकिन मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ भरोसा करूँ मुझ पर, ऐसे आप बोलते हैं कंपाइलर से। फिर कंपाइलर क्या करेगा, इसको ढूंढेगा सेट डेटा फंक्शन को, और बाद में उसको मिल जाना चाहिए फंक्शन, नहीं तो दिक्कत तो होनी है फिर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो आप लिखेंगे इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे वो फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो खैर, अभी मैं एक काम करूँगा, सेट डेटा फंक्शन को यहीं के यहीं ना लिख के बाहर लिखूँगा, और उसका तरीका आपको बताता हूँ क्या होता है। और ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो सिर्फ सिंटेक्स है, तो ऐसा मत सोचना कि इसका रट्टा लगाना है और एकदम से आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के फेस पर डाल दी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को सिंपली एक तरीका बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट, जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो आपने अगर कुछ इस तरह से लिखा void, और आपने यहाँ पर लिखा मेरा जो सेट डेटा है, सबसे पहले मैं क्लास का नाम लिखूँगा एम्प्लॉई, और उसके बाद सेट डेटा। ठीक है, फिर इंट ए इंट बी और इंट सी, ठीक है, ए बी और सी, और अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इसके अंदर लिख दूंगा जो ए बी और सी है उनको मैं सेट कर दूंगा, मैं कहूँगा जी, और इनको मैं ए वन बी वन और सी वन बना देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर इंट ए वन बी वन सी वन मैंने बना दिया, तो सेट डेटा के अंदर यहाँ पर मैं इनको ए वन बी वन सी वन बना देता हूँ, और ए वन बी वन सी वन मैंने यहाँ पर बना दिया है, और मैं लिखूँगा ए इज इक्वल टू ए वन बी इज इक्वल टू बी वन सी इज इक्वल टू सी वन, और मैं इसको जो है सेव कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस एम्प्लॉई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉई क्लास बनाई है, मैं एक काम करता हूँ इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा एम्प्लॉई हैरी,
तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉई हैरी लिखकर इसको क्या करूँगा, डिक्लेयर कर दूंगा। मैंने लिख दिया भाई एम्प्लॉई हैरी, एक हैरी नाम का एम्प्लॉई बना दो। अब आप लोग कर सकते हो हैरी डॉट सेट डेटा और दे सकते हो 1, 2, 3 या 1, 2, 4, और उसके बाद आप लिख सकते हो हैरी डॉट गेट डेटा और आप गेट डेटा फंक्शन को रन कर सकते हो और देखते हैं कि जैसे ही दो फंक्शन रन होते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो मैंने करा रन और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉई हैरी बनाया, देखो हैरी डॉट सेट डेटा और हैरी डॉट गेट डेटा। अब यहाँ पर देखो ये गार्बेज वैल्यू मुझे मिल रही है क्योंकि डी और ई मैंने सेट नहीं किया है। तो मैं हैरी डॉट डी इज इक्वल टू 34 कर दूंगा और हैरी डॉट ई इज इक्वल टू कर दूंगा 89, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखो 1, 2, 4, 34 एंड 89। अब आप लोगों का एक सवाल होगा, आपने कहा कि ये सेट डेटा क्यों बनाया है, यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते थे। अगर मैं हैरी डॉट ए इज इक्वल टू 134 कर दूँ तो कैसा रहे? तो जी ऐसा रहे, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका जो ए है वो प्राइवेट है, उसको आप ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसको कौन एक्सेस करेगा? उसको करेगा इस क्लास का कोई फंक्शन एक्सेस। अब मुझे मालूम है कि इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके समझते हैं इसको कि क्लास क्या थी और ये एरर क्यों आया, ठीक है। वापस से आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग रिलैक्स करो और बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। हमने क्लास बनाई इम्प्लॉई की, यानी कि हमने ये कहा कि हम एक नया डेटा टाइप भी बना दे रहे हैं, ठीक है, एक तरह से। उसमें हमने कहा कि हमारे ए बी और सी जो हैं वो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि प्राइवेट हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉई की कितनी सैलरी बढ़ाना है हर महीने वो वेरिएबल, और हर एम्प्लॉई को कितना दिवाली बोनस मिलना है वो वेरिएबल। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते बाहर से कोई एक्सेस करे, वो हमने कर दिया प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि कुछ चीज़ें पब्लिक हैं, जैसे पब्लिक क्या चीज़ें हैं कि एम्प्लॉई कहाँ गाड़ी खड़ी कर देगा, कौन से पार्किंग लॉट में खड़ी करेगा गाड़ी वो, और एम्प्लॉई जो है वो कितने से लेके कितने बजे तक अवेलेबल रहेगा अपनी डेस्क पर वो, तो वो चीज़ें हम उस तरह की चीज़ें हम लोग पब्लिक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा समझ लो कि ये तीन नंबर हमने प्राइवेट किए हुए हैं, ये तीन नंबर हमने पब्लिक किए हुए हैं, ये दो नंबर पब्लिक किए हुए हैं। अब हमने क्या किया, जो फंक्शन था हमारा, हमने दो फंक्शन बनाए इस क्लास के अंदर, एक तो हमने बनाया सेट डेटा और एक बनाया गेट डेटा। हमने कहा गेट डेटा तो यहीं के यहीं बना लो। अब मेरे पास कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। अब अगर मैं सारे फंक्शन यहीं डिफाइन कर दूं इस एम्प्लॉई के अंदर तो घिचपिच मच जाएगी, तो इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं क्या करूं कि सिर्फ यहाँ पर void set data ऐसे लिख दूं और इसको बाद में डिफाइन कर दूं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिख दिया कि मैं एक, इसका मतलब है कि मैं एक सेट डेटा फंक्शन बनाने वाला हूं आगे जिसमें a1 b1 और c1 आने वाले इनपुट, मतलब कि मैं बनाने वाला हूं आगे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, आगे बनाने वाला हूं। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, कंपाइलर के पास कोई गारंटी नहीं है, मैंने कंपाइलर को एक प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं आगे आपको दूंगा। कंपाइलर बोलेगा ठीक है मैं ढूंढ लूंगा, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको सर्च करेगा सेट डेटा को, और आपको सेट डेटा इस तरह से लिखना है, एम्प्लॉई और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और सेट डेटा। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आप एम्प्लॉई को ये बताना चाहते हो कि ये वो सेट डेटा फंक्शन है जो कि मैंने एम्प्लॉई के अंदर बनाया है, तो इसलिए आपको एम्प्लॉई के बाद एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाकर सेट डेटा लिखना है, और सेट डेटा लिखने के बाद आपको इंट a1 b1 c1 लिख के अपना जो भी फंक्शन के अंदर डालना है आपको डाल दो। अब इस केस में मैंने क्या किया कि वैल्यूज़ को सेट किया है और ये सेट डेटा जो है एक्सेस कर सकता है इसको, लेकिन ये जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है अगर एम्प्लॉई का डायरेक्टली, अगर आप लोग डॉट ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेंगे, लेकिन डॉट डी डॉट ई मिलेंगे तो करेंगे तो आपको मिल जाएंगे क्योंकि वो पब्लिक है। तो प्राइवेट एक ऐसी चीज़ है जो प्राइवेट होती है, जैसे कि आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्राइवेट जो कि आप मुझे नहीं बताओगे, और पब्लिक क्या चीज़ें हैं, पब्लिक जो सबको बताते हो आप, गली गली बताते घूमते रहते हो, वो पब्लिक है। तो पब्लिक यहाँ पर इंट डी और ई, डी और ई को इसलिए मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर दिया यहाँ पर। देखो ए यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, दिस विल थ्रो एरर, क्योंकि ए क्या है, ए मेरा प्राइवेट है, एज ए इज प्राइवेट, ठीक है, और डी और ई को ऐसे ही कर दिया मैंने एक्सेस। फिर मैंने सेट डेटा फंक्शन का उपयोग करके ए बी और सी को 1, 2 और 4 सेट किया, देखो 1, 2 और 4, और उसके बाद मैंने कहा कि गेट डेटा कर दो, यानी कि सारे डेटा को प्रिंट कर दो। गेट डेटा क्या करता है, सी आउट से वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है। तो अब मैं इसको चलाऊंगा अगर तो ये मुझे वो एरर थ्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 4, 34, 89 जिस तरह से मैं चाहता था। तो डी और ई जो है वो मैंने 34 और 39 किए हैं सेट, 34 और 89 सॉरी, तो वही मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये सिंपल सा क्लास का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में क्लास को और एक्सप्लोर करेंगे,
अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस एग्जाम्पल को डाइजेस्ट करें और इस एग्जाम्पल को समझें सही से, और अपने दिमाग में कोई भी चीज़ मॉडल करने का, जैसे एनिमल आप मॉडल कर सकते हैं क्लास से, उसका एक एग्जाम्पल लेके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक क्लास बनाकर दिखाएं ज़रूर से। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कोर्स में और आप भी अपनी तरफ से जो है एक्टिव हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक तो मैं चाहूँगा कि आप इसको बुकमार्क करके यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो काइंडली एक लाइक कर दें, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम आप लोगों को लगेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।